डीजो का एक नया निक बैंड लॉन्च हो चुका है, डीजो वायरलेस डेस। अब ये जो निक बैंड है एक तो बजट सेगमेंट के अंदर में मिलता है और आपको इसमें एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बेसिकली इसके ऐप के थ्रू बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप इस निक बैंड में कर सकते हो। अब डीजो के बारे में आपको पता है कि रियल मी टेक लाइफ इकोसिस्टम का पहला ब्रांड है जो टॉप 5 में अपनी जगह भी बना चुका है स्मार्ट वॉच वगैरह के अंदर में, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो निक बैंड है बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में आपको देखने को मिलता है, तो आगे मैं आपको सब कुछ क्विकली बताने वाला हूँ इस निक बैंड के बारे में। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात कर लें तो बॉक्स बिल्कुल सिंपल समझ जाता है। जैसे आप बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले आपको नेक बैंड मिल जाएगा जो मेरे पास में ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। इसके बाद में आपको टाइप ए टू टाइप सी जो है केबल मिल जाएगी इसको चार्ज करने के लिए। एक यूजर मैनुअल आपको मिल जाती है जहां पर बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है, और फिर इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं जो आप अपने ईयर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब बात करेंगे डीजो वायरलेस डेस्क निक बैंड के हम फिजिकल ओवरव्यू की। तो मेरे पास में इसका डायनेमिक ग्रीन कलर है, बाकी ये दो अलग कलर्स के साथ में भी आता है, क्लासिक ब्लैक और इलेक्ट्रिक ब्लू। मेरे पास में डायनेमिक ग्रीन कलर है। यहाँ पर आपको कैवलर इसका डिजाइन देखने को मिल जाता है नीचे साइड में, जहां पर इसकी फिजिकल कीज है दोनों साइड में आपको इसका कैवलर डिजाइन मिलेगा, जिस वजह से आपको एक टेक्सचर मिल जाता है और ये दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। राइट हैंड साइड में इसकी आपको फिजिकल कीज देखने को मिल जाती है जहां से वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हो, और एक मल्टी फंक्शनल की आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो सिलिकॉन का मटेरियल ऊपर में यूज किया गया है ये स्किन फ्रेंडली है, तो गर्मी आ रही है बहुत ज्यादा, पसीने वगैरह होंगे अगर आप जिम वगैरह जाते हो या फिर रनिंग वगैरह करते हो, तो उस केस में आपके स्किन को ये डैमेज नहीं करेंगे। और एक बात यहाँ पर और है कि जो आपको इसके ईयरबड्स मिल जाते हैं यहाँ पर भी आपको ड्यूअल टेक्सचर देखने को मिल जाता है, और ईयर्स के अंदर में इनकी फिटिंग भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो निक बैंड है बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, और यहाँ पर जो बैलेंस्ड आपको मिलता है वो इक्वल मिलता है। बहुत सारे निक बैंड में देखा गया है कि एक साइड में ज्यादा बैलेंस होता है निक बैंड का, एक साइड में कम होता है, पर यहाँ पर जो बैलेंस है वो बिल्कुल इक्वल आपको मिलेगा। जब आप इसको पहन के रनिंग वगैरह करेंगे तो एक साइड में गिरने वाला नहीं है। इस निक बैंड में एयर प्रेशर कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर एयर का जो फ्लो है वो आपके एयर्स के पास में होता रहेगा। ज्यादातर निक बैंड्स में अगर आप उनको पहनते हो तो एयर फ्लो बंद हो जाता है आपके एयर्स का, तो उस वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगता है, पर इसमें एयर फ्लो कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो जिस वजह से आप इसको काफी देर अगर आप पहन के रखते हैं तब आपकी ईयर्स में पेन वगैरह नहीं होगा। बाकी आपको इसमें मैग्नेट कनेक्टिविटी मिल जाती है इसके ईयरबड्स के अंदर में, जैसे आप इनको डिटैच करते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है आपके फोन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई कॉल वगैरह आई है तो वो रिसीव भी हो जाएगी जैसे आप उसको डिटैच करोगे, बाकी एप्लीकेशन में उसका कंट्रोल मिलता है। और जैसे आप इन दोनों को आपस मिला के एक साथ जोड़ देते हैं तो ऐसे ही आपका जो है ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है तो वो पॉज हो जाता है, तो ऐसे केस में आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी। बाकी अगर आप ऑडियो की बात कर लें तो इसमें आपको 11.2 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो पावरफुल माने जाते हैं किसी भी नेक बैंड के लिए, तो यहाँ पर जो बेस आपको मिलेगा काफ़ी हाई क्वालिटी का मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेस आपको इसमें मिल जाता है, और जो वोकल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर आपको सुनाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो इवन ये म्यूजिक के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और अगर आप मूवीज देख रहे हो या पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो तो उस केस में भी काफ़ी अच्छी आपको जो है वो ऑडियो क्वालिटी इसमें मिलेगी। वैसे आपको इसमें डेडिकेटेड जो है वो गेमिंग मोड मिल जाता है, तो अगर आप इसके जो है मल्टी फंक्शनल की को लॉन्ग प्रेस 3 सेकंड्स के लिए रखते हैं तो गेमिंग मोड इसका इनेबल हो जाता है, जहां पर 88 मिलीसेकंड्स की आपको लो लेटेंसी मिलती है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो उस केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इसका गेमिंग मोड। तो जो बाकी आपको इसमें ENC का सपोर्ट मिल जाता है, इन्वायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन का, तो अगर आप कॉल्स पे बातें वगैरह कर रहे हो तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम ये कैच करता है, तो आपकी जो वॉइस है वो सामने वाले बंदे के पास में काफी ज्यादा क्लियर जाती है, क्योंकि इसको मैं पिछले 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉल्स पे अटेंड किया हूँ, तो ऐसे आपको जो है वॉइस कॉल पे कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना तो ऑडियो की मिलेगी और ना ही इसमें माइक्रोफोन की मिलेगी। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, तो आपके फ़ोन के साथ में जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा और क्विकली ये जो है आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। बाकी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ऐप के थ्रू जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो रियल मी लिंक ऐप है जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। एप्लीकेशन के अंदर में आप इसका बेस बूस्ट प्लस कर सकते हो, बैलेंस्ड है, ब्राइट है, इसके साथ में वॉल्यूम इन्हेंसर है, और यहाँ पर गेमिंग मोड भी आप इसका इनेबल कर सकते हो, और जैसे आप ईयरबड्स को सेपरेट करते हो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, वो भी यहाँ पर ऑन है। और जो बटन सेटिंग्स अगर आप इसके अंदर जाते हो तो सिंगल टैप पे प्ले पॉज चाहिए, डबल टैप पे नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप जो है ट्रिपल टैप करते हो तो गेमिंग मोड में इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर जो टच एंड होल्ड वाला फंक्शन है यहाँ पर आप असाइन कर सकते हो आपके हिसाब से जो भी यहाँ पर आप देना चाहो, चाहे वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना चाहो या फिर प्रीवियस सॉन्ग, तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है वो फॉर्मवेयर अपडेट भी मिलता है, तो जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो इसमें फॉर्मवेयर अपडेट भी मिला, तो फ्यूचर में अपडेट्स आते रहेंगे और ये जो निक बैंड है और भी ज़्यादा इंप्रूव आपको क्वालिटी देगा। तो यहाँ पर जो ऐप कनेक्टिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले निक बैंड के लिए, कि आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो और फ्यूचर में अपडेट के थ्रू कंपनी इसमें बहुत सारे चेंजेस भी लेके आती रहेगी।
बाकी अगर हम इसके फिजिकल की बात कर लें तो नॉर्मली आपको जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। जो इसकी मल्टी फंक्शनल की है, इसको आप सिंगल टैप में प्ले पॉज कर सकते हो, डबल टैप में आप नेक्स्ट सॉन्ग कर सकते हो, ट्रिपल टैप में आप इसके गेमिंग मोड में चले जाते हो, और गेमिंग मोड ऑफ करना हो तभी आपको ट्रिपल टैप कंटिन्यू करना होगा, आपका गेमिंग मोड ऑफ हो जाएगा। बाकी जो अब भाई बैटरी की बात कर ले, जो सबसे ज्यादा कमाल की आपको इसमें मिलती है 260 mAh की बैटरी मिलती है, जो 30 आवर का आपको म्यूजिक प्लेबैक दे देती है, तो बैटरी बैकअप काफी ज्यादा है। और इसमें आपको ब्लिंक चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है, जो फास्ट चार्जिंग आप बोल सकते हो, डीजो इसको जो है ब्लिंक चार्जिंग बोलता है। अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो आपको 10 आवर का म्यूजिक प्लेबैक इसमें देखने को मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप इसका काफी कमाल का मिलता है। और फास्ट चार्जिंग जो है ये काफी ज्यादा कमाल की है, 10 मिनट चार्ज करो और भाई 10 घंटे आप इंजॉय कर सकते हो म्यूजिक इसके थ्रू। वैसे इसमें IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब स्वेट और वाटर स्प्लैशेस पे रेसिस्टेंट टाइप का बोल सकते हो, थोड़ा बहुत पानी आने पे ऐसे इसमें इशू नहीं है, जिम वगैरह करते हो पसीना वगैरह हो जाता है तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ओवरऑल आपको कुछ यही सारे फीचर्स डीजो वायरलेस डैस नेकबैंड में देखने को मिल जाते हैं, जो काफी कमाल के आपको मिलते हैं। प्राइसिंग की अगर यहाँ पर बात कर लें, इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है 1299 मतलब 1300 रुपए, और इसकी जो नॉर्मल प्राइस है 1599 मतलब 1600 रुपए। कल ये फर्स्ट टाइम सेल पर जा रहा है 24 मई दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर, तो इंट्रोडक्टरी प्राइस 1299 है, तो ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है, आप जरूर से जाके इसको बाय कर सकते हो। ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी सही मिल जाती है, यहाँ पर जो ऑडियो है, बैटरी लाइफ है, और जो फीचर्स हैं खास करके ऐप वाला, वो आपको दूसरा ब्रांड ऑफर नहीं करेगा इस प्राइस में। तो अगर आपका बजट जो है 1500 के अराउंड है, आपको अच्छा नेकबैंड चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डीजो वायरलेस डैस की तरफ जा सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वाले नेकबैंड को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें कुछ इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।